सो हे यार, कैसे आप सब? आई होप ऑल यूर फाइन एंड डूइंग वेल। इट्स योर बॉय विजू बैक विद अ न्यू व्लॉग। भाई व्लॉग क्या, एक कंसेंट्रिक्स का ही व्लॉग लेके आया तुम्हारा भाई। पिछले चैनल पे भाई एक वीडियो डाली थी मैंने जब मैं ज्वाइन किया था कंसेंट्रिक्स, पिछले साल मतलब इसी महीने में किया था, फरवरी या मार्च में। तो भाई उसको हो गए थे 40-50 हज़ार व्यूज़ आ गए थे, मैंने डिलीट कर दिया फॉर सम रीजंस। क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? तो आज मैं इस चैनल पे पहली वीडियो मेरी कंसेंट्रिक्स की मैं शेयर करने वाला हूँ, अपना एक्सपीरियंस, एक साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। म्यूजिक। सो गाइस करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई कंसेंट्रिक्स है क्या? है, कंसेंट्रिक्स इज अ अमेरिकन बिजनेस सर्विस कंपनी स्पेशलाइजिंग इन कस्टमर एंगेजमेंट एंड बिजनेस परफॉर्मेंसेस। नहीं आया होगा समझ, अगर तुम्हें इतनी इंग्लिश आ रही होती तो तुम पहली बात तो मेरी वीडियो नहीं देख रहे होते। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा, क्योंकि मुझे खुद एक घंटा लगा है इस लाइन को रट्टे मारने में, है ना भाई, मजाक कर रहा हूँ। देखो एक रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, मैं बहुत बड़ा बकचोदू, जो भी चीज़ें मैं बोलूँ आगे वीडियो में तो उसको सीरियस मत लेना, ठीक है ना। कंसल्टिंग बहुत अच्छी कंपनी है यार, एक बहुत अच्छी कंपनी है। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। सो भाई कंसेंट्रिक्स इज नथिंग बट अ कंपनी हु डिस्ट्रॉय योर ड्रीम्स। ओ सॉरी भाई। भाई ने क्या बोला था कंसेंट्रिक्स को? बुरा बुरा नहीं बोलना, चीप कंपनी है ऐसा नहीं बोलना, लंड कंपनी ऐसा भी नहीं बोलना। ओके सो भाई कंसेंट्रिक्स कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया कंपनी है। एक जैसे कि अपना इंडिया में होता है कॉल सेंटर वगैरह, वैसे ही कॉल सेंटर ही समझ लो, पर ये बाहर की देश की है तो थोड़ी समझ लो प्रोफेशनल हो गया है ना। तुम्हें पता ही होगा यार कंसेंट्रिक्स क्या है, तुम इस वीडियो में देख रहे हो मतलब ये बता तुम्हें कंसेंट्रिक्स क्या है, BPO है, जो भी है, MNC है, तुम्हें खुद को पता है, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मेरे एक साल का एक्सपीरियंस। मैंने भाई अप्स एंड डाउन्स तो नहीं बोलूँगा, डाउन्स इन डाउन्स देखे कंसेंट्रिक्स में एक साल में। तो तुम्हें शेयर करूँगा वन बाय वन। सो भाइयों, मैंने पिछले साल 2023 में फरवरी या मार्च में मैं गया था इंटरव्यू देने, और तुम अगर इंटरव्यू से रिलेटेड पूछना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ शॉर्टकट में। इंटरव्यू भाई कुछ नहीं होता भाई, जो ऑनलाइन का पूछेंगे बंदे, मुझे ऑनलाइन का ज़्यादा कुछ नहीं पता भाई। मैं ऑफलाइन देने गया था वहाँ पे गुड़गांव बिल्डिंग 14 में। एड्रेस तुम्हें चाहिए होगा मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, गूगल मैप में दे दूँगा, पास में ही है। तुम जाओगे ना, तुम्हें सिकंदरपुर से फेज 3 पकड़नी है, फेज रैपिड मेट्रो पकड़नी है, फेज 3 पे उतर जाना, फेज 3 से दिख जाएगा, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। गलियों में जो कंपनी गलियों में दुकानें खुली रहती है वैसे नहीं है, कंपनी है, बहुत बड़ी है, बिल्डिंग है भाई, दिख जाएगी तुम्हें, पहचान जाओगे। अगर तुम गूगल पे भी लिखोगे ना कि बिल्डिंग और उससे मैच करोगे तो पहचान जाओगे उसमें ही कंसेंट्रिक। अबे यार एक तो वीडियो में बंदे बहुत आ रहे हैं, रुको एक मिनट। तो मैं ये बोल रहा था कि बिल्डिंग 14 में अगर तुम जाओगे तो मेट्रो से दिख जाएगा, उसमें राइट साइड में राइट कॉर्नर में दिखेगा तुम्हें रिक्रूटमेंट सेंटर, वहाँ पे घुस जाना है। तुम्हें कोई ऑनलाइन फॉर्म पहले से नहीं सबमिट करना होता, अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं करनी होती, कुछ नहीं करना होता भाई, तुम्हें सीधा जाना है इंटरव्यू देके आ जाना है भाई वहाँ पे, और कुछ नहीं है। क्या लेके जाना है? आधार कार्ड लेके जाना, मार्कशीट लेके जाना 10वीं 12वीं की, और कुछ नहीं लेके जाना, बस ये सिंपल चीज़ें हैं। बाकी पैन कार्ड वगैरह फ़ोन में रख लेना, ठीक है। तो भाई कितने राउंड होते हैं? भाई राउंड होते हैं 3। पहला राउंड सिंपल होता है जिसमें तुम्हें बेसिक तुम्हारी पूछेंगे, तुम कौन, नाम वगैरह, पापा का नाम वगैरह, कहाँ रहते हो, ये सब, एक्सपीरियंस वगैरह है या नहीं है, कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो, ये सब सिंपल चीज़ें पूछेंगे। फिर सेकंड राउंड होता है, सेकंड राउंड में होता है भाई वर्सेंट होता है, जिसे पता होगा वर्सेंट क्या होता है तो अच्छी बात है, जिसे नहीं पता मैं बता रहा हूँ। वर्सेंट में होता है भाई 5 टेस्ट होते हैं, जैसे कि ईमेल राइटिंग हो गया, टाइपिंग हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, यही सब चीज़ें, रीडिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, है ना, ये चीज़ें होती हैं वर्सेंट में। वर्सेंट का स्कोर आता है 90 नंबर का कुछ होता है, पता नहीं 60 नंबर चाहिए होते पासिंग मार्क्स, 60 या 54 से अबव चाहिए होते शायद से। जो पास हो जाता है वो थर्ड राउंड के लिए जाता है, और जो नहीं होता वो उसे बोलते हैं कि 2-3 हफ्ते बाद वापस आ जाना वर्सेंट देने, उसे ऐसे ये नहीं कि वो कभी आ नहीं सकता वापस, वो भी ट्राई कर सकता है वापस। तो वर्सेंट जिसका क्लियर हो गया उसका होता है थर्ड राउंड HR राउंड, जिसमें इंटरेक्शन होती है फेस टू फेस, कुछ सवाल होते हैं, कुछ जवाब देने होते हैं हमें इंग्लिश में, तो इंग्लिश उसके लिए अपनी अच्छी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, बाकी इतनी भी अच्छी नहीं होनी चाहिए कि प्रॉपर फ्लुएंट एकदम तुम समझ रहे हो होनी चाहिए, तुम्हें बनानी आनी चाहिए भाई इंग्लिश, और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कॉन्फिडेंस, तुम जो भी बोल रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, सामने वाले को लगा कि हाँ है बंदे में काबिलियत, ठीक है। बाकी ये तो मैंने बता दिया कि इंटरव्यू कैसे देते हैं, फिर इसके 2-3 दिन बाद वो उसी दिन बता देते हैं जिस दिन तुम इंटरव्यू दोगे तुम सेलेक्ट हुए या नहीं हुए। अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो वो तुम्हारे 2-3 दिन बाद व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है या फिर ईमेल आ जाती है, ऑन बोर्डिंग की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ हो जाता है 2-3 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते लग जाता है। फिर 1 हफ्ते बाद तुम ज्वाइन करते हो, फिर तुम्हारी ट्रेनिंग चलती है
आधे महीने या एक महीने तक की। ये तो तुम्हारी एक तुम देख लोगे, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो भाई अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, मेरा एक साल का एक्सपीरियंस कैसे रहा। भाई मेरा एक्सपीरियंस मैं सच बताऊँ तो भाई बहुत बढ़िया रहा, मतलब उतना भी बढ़िया नहीं, मतलब ठीक रहा। पहले मैं 6-7 महीने मैंने ऑफिस से काम किया था, फिर मेरे को कुछ 4 महीने पहले वर्क फ्रॉम होम मिल गया, तो मुझे बढ़िया लगा। वर्क फ्रॉम होम में भाई तुम्हारा, पहले मैं तुम्हें एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बता देता हूँ कंचन ब्रिक्स के। भाई देखो, एडवांटेज तो सिंपल सी बात है, ये तुम्हारी सैलरी आएगी, तुम्हें सीखने को मिलेगा, तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर तुम किसी दूसरी कंपनी में स्विच करोगे तुम्हें सैलरी ज़्यादा मिलेगी, हाइक मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है ना। भाई डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है यार, क्योंकि 8.5-9 घंटे हमें देने होते हैं, और आने जाने का भी थोड़ा, समझ रहे हो, गुड़गांव है तो बंदा जो दिल्ली में रह रहा है, तो कैब अगर उसकी लगी है तो कैब जो है 1-2 घंटे पहले उठा लेती है। जैसे कि मेरी शिफ्ट थी स्टार्टिंग में 8:30 से सुबह 6 वाली, तो मुझे कैब उठा लेती थी भाई शाम को 5:30 बजे। भाई अगर तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम हो गया तो तुम्हारा बहुत टाइम बच जाता है, तुम साथ में पढ़ाई वगैरह, स्कूल वगैरह, जो भी तुम चीज़ें करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो, जिम वगैरह। जैसे कि मेरी अभी चल रही है दिन की शिफ्ट चल रही है मेरी, है भाई दिन में 1:30 बजे से रात को 11 बजे तक, तो रात को 11 बजे लॉग आउट करके आराम से सो जाओ। सुबह 6-7 बजे जितने भी, वैसे तो 9-10 बजे उठता हूँ मैं, पर यही है उठ के आराम से तुम्हारा बहुत टाइम होता है कि भाई तुम कुछ भी कर लो पढ़ाई के। और वर्क फ्रॉम होम में ये नहीं है कि तुम्हें साथ में कॉपी ऑफिस खोलने ही खोल लो यार, तुम्हें पढ़ाई करनी है पढ़ाई कर लो, गेम खेलना गेम खेल लो, जो मर्जी। लेकिन अगर तुम्हारा वर्क ऑफिस है तो तुम्हें टाइम देना होगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में टाइम मिलता है, और बाकी किसी किसी प्रोसेस में तो वर्क फ्रॉम होम होता भी नहीं है, तो वो तुम्हारी ऊपर। हेलो, बाकी मैं एक साल में मैंने क्या अचीव किया, भाई एक साल में मैंने ज़्यादा कुछ भी अचीव नहीं करा। मेरे बात तो सही है, दौड़ा था। सो भाई बहुत सारे बंदों का ये सवाल भी होगा, भाई तुम्हें एक साल हो गया तो तुम्हारी सैलरी बढ़ी या फिर नहीं बढ़ी। तो देखो भाई, ज़्यादा सैलरी नहीं बढ़ी है, कुछ ही बढ़ी है, मतलब 600 तक मैंने देखा था, पढ़ा था, 600-700 कुछ बढ़ी है शायद से। बाकी सैलरी की यार तुम्हें अगर बढ़ानी है तो तुम्हें दूसरी कंपनी स्विच करनी होगी, अगर तुम्हें इसमें बढ़ाना है तो तुम्हें टाइम लगेगा, 3-4 साल तो लग ही जाते हैं, 2-3 साल लग जाते हैं, ठीक है ना। बाकी मुझे भाई वर्क इन्वायरमेंट भी बढ़िया लगा यहाँ का, इतना कोई प्रेशर नहीं है कि करना है परफॉर्मेंस देनी है तो देनी है, भाई तुम अपना करो, आराम से करो, अच्छी परफॉर्मेंस तो खुश रखो, मैनेजर को भी खुद भी खुश रहो, बाकी ऐसा कुछ है नहीं सीन, ठीक है। बाकी मेरी जो यहाँ पे ग्रोथ है भाई, पहले मैं ऐसा एसोसिएट था, जो सिंपली बंदे जाते हैं तो एसोसिएट ही बनते हैं, तो फिर मैं आया पर वो SME बन गया। SME मतलब तुम्हें पता ही होगा, SME मतलब देख लेना यार, मुझे भी नहीं पता, बस नाम पता है। बन गया पर मेरी सैलरी इसलिए नहीं बढ़ी, क्योंकि SME टेम्परेरी SME बन गया। अभी हम जब हम परमानेंट हो जाएंगे ना, परमानेंट SME ट्रेनी मतलब परमानेंट हो जाएंगे, तब बढ़ेगी सैलरी कुछ, इसलिए। हाँ तो मैं बोला था, तुम्हें और कोई पर्सनल क्वेश्चन हो या फिर सैलरी जाननी हो या फिर कुछ भी क्वेरीज हो, कहाँ पे है, कितना टाइम लगता है इंटरव्यू में, ये सब, तो तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, नीचे ID आ रही होगी। भाई पहले वीडियो में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा था, तो बहुत नंबर हो गए थे भाई, मेरे पास पता है 50-60 नंबर हो गए जो मैंने सेव कर रहे हैं कंचन ब्रिक्स के बंदों के नाम से। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पूछी, मैंने बता दी, पूछ लेना आप, कमेंट भी कर दो इस वीडियो में, मैं यहाँ पे भी बता दूंगा। आप इंस्टा पे जानना चाहते हो मैं वहाँ पे भी बता दूंगा, ये भी ID मेरी आ रही होगी, फॉलो कर लो, DM करो, जो मर्जी करो, बता दूंगा तुम्हें, जो भी चाहिए होगा सब मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बढ़िया कंपनी यार, मैं चाहता हूँ तुम भी ज्वाइन करो भाई, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है ये करके भाई, कि 1-2 बंदों ने व्हाट्सएप पे बोला था कि भाई तुम्हें एक्सपीरियंस तो शेयर ही कर सकते हो यूट्यूब पे, तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल भाई, क्यों नहीं करेंगे भाई, कर देंगे, कैसी बात कर रहे हो तुम, तो जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। सो भाई ये तुम्हें बताई दिया, तुम्हें कोई सवाल हो तो इंस्टा पे बेझिझक DM कर लेना, ये मत सोचना कि मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, मैं सबसे पहले तुम्हें ही रिप्लाई करूँगा भाई, ठीक है। और बाकी तुम बोलोगे यार कि रेफरेंस लगा दो, भाई तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे रेफरेंस की नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, जो भी करना होता अपने हिसाब से करना होता, अपने उससे करना होता है, ठीक है ना। मैं भी अपने बिना रेफरेंस के गया था, हो गया था सेलेक्ट, इतनी कोई हार्ड नहीं है ब्रो, तुम ट्राई करो, हो जाओगे भाई, ट्राई करो एटलीस्ट। सो भाई वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है भाई, तुम्हें बता दिया सब कुछ, और कोई क्वेरीज हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। बाकी मैं ऐसी वीडियोस बनाऊँ आगे या ना बनाऊँ ये मैं देखूँगा, अगर इस वीडियो पे बढ़िया रिस्पॉन्स आया तुम्हारा तो मैं बनाऊँगा। बाकी भाई तुम्हें एक चीज़ करूँगा कि भाई अगर तुम कुछ लेके जा रहे हो ना यहाँ से, तो कुछ दे के जाओ, सब्सक्राइब कर लेना ब्रो, कर ले ब्रो सब्सक्राइब कर ले, मैं ऐसी वीडियोस लाऊंगा नहीं लाऊंगा वो तो छोड़, मैं इससे बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाता हूँ, तू देख ले चैनल पे जाके, देख मेरा रोस्ट देख, ट्राई नॉट टू लाफ देख, मज़े आएंगे तुझे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
आई विल बी बैक विद अ न्यू व्लॉग. टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू, राधे राधे, जय श्री राम. थैंक यू वेरी मच.